ओ माशाल्लाह, ये देखें जी, दो बच्चे इसने निकाली हैं। ये मेरे ख्याल रात के निकले हुए हैं क्योंकि काफी ज्यादा होशियार हो गए हैं। ये देखें, ओ माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, क्या है छोटे छोटे से खिले। अभी जी मैं और अरम जा रहे हैं शादी हॉल में, घर का फ्लावर का काम है वो देखने। अरम बहुत खुश होता है बाइक पर बैठ कर जब झूठे लेता है, झूठे लेने में बहुत मजा आता है। गंदा बच्चा। मुर्गी और बच्चे जो अब हम छत पर ले रहे हैं, और मुर्गी देखें ये कितना ज़्यादा, इसको क्या बोलेंगे, बिट, हमारी ज़बान में इसको बिट बोलते हैं। तो ये देखें, इसने अपने वो जहाँ पर कुड़क मला था अंडों पर बैठी थी वहाँ पर नहीं की, छत पर लाकर छोड़ा है। तो ये देखें कितनी ज़्यादा की है गंदी। थोड़ी देर बच्चों को चूज़ों को धूप में रखने के बाद वापस जाएंगे नीचे, इनके पिंजरे जो है वो साफ़ करेंगे, क्योंकि ये वाला पट्ठा जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाला पट्ठा, इसको अब कर देंगे आज़ाद। तो उस इस पिंजरे में ये मुर्गी और दो बच्चे आ जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद जब नीचे जाएंगे इनके पिंजरे साफ़ करेंगे, ताकि उसमें जो पत्थर ईंटें और बाकी जो भी सामान है वो एक साइड पे कर देंगे, ताकि सिर्फ और सिर्फ जो है रेत बचे, और आगे सर्दियाँ आ रही है तो ये आराम से सुकून से अपना बैठ सकें। सर्दियाँ जो हैं वो आ गई हैं, तो अम्मी जान ने रज़ाइयाँ जो हैं वो बाहर निकाल कर उनको धूप में रख दी है। इनके ऊपर वाले जो छाड़े होते हैं वो उतारे हुए हैं धूप लगाने के लिए, और इनको लाए थे ऊपर ताकि धूप सेक लें। तो ये फिर भी मुर्गी इनको नीचे लेकर बैठ रही है। ये देखें, अगर धूप में रहेंगे तो धूप इनके लिए बहुत अच्छी है। सेवैयाँ डाली थी तो इन्होंने नहीं खाई। तेरे पट्ठे की आँखों में तेरी कसम माफ नहीं है। ये पट्ठा हमारा माशाल्लाह बहुत प्यारा, लेकिन पिंजरे में बंद रखने की वजह से ये कमज़ोर है। अभी इसको आज़ाद करेंगे, आज से ये आज़ाद है, अगर अल्लाह करे बिल्ली से बच जाए, क्योंकि पहले भी आज़ाद किया था तो बिल्ली एक को खा गई थी और एक को मार गई थी। ये तकरीबन एक महीना पहले की बात है, एक महीना पहले की बात है। तो वो भी इसी साइज़ के थे, एक थोड़ा छोटा सा कद में, बाकी जो एक वाइट कलर का था जिसको वो खा गई थी वो इसी कद का था, जो मार गई थी वो उससे थोड़ा थोड़ा सा छोटा कद का था, वो इसी के साथ के थे चूज़े। तो डर लगता था इसलिए हम इनको आज़ाद नहीं करते थे, बिल्ली बहुत ज़्यादा यहाँ पर। तो अब इसको आज़ाद करेंगे, देखते हैं क्या बनता है इस। ये देखिए पट्ठा माशाल्लाह बहुत प्यारा है। आज़ाद करेंगे तो चंद दिनों में ये पैर बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब ये कद भी निकालेगा। ये बच्चों पर हमला करने के लिए आ रही है मुर्गी और बच्चे और ये वाली चीज़। ये हम खड़े हैं इसलिए बचे हैं, अगर हम ना होते तो ये इसने एक आधा बच्चा जो है वो ले जाना था। हाँ जी, वो आ रही है अबू जान। थले आ गई भैया, आस्ता आस्ता जो ही निकल रहा है। बाकी आंडे सारे पानी है बीच, एक च है थोड़ा जहा बनाया। अच्छे भी आ गए हैं ऊपर। कौन सा फजान है? कौन सा तुम्हारा? ये वाला वाइट नहीं, नहीं फजान का कौन सा है? ये वाला? हाँ। तो फरहान का? ये वाला नहीं, ये हाँ। वाला मेरा, ये वाला मेरा। अच्छा, ये फिजान का, ये फरहान का। लें जी बच्चों ने अपने अपने चूजे जो है मर लिए हैं, बुरे वाला फिजान का और जो वाइट और ब्लैक है वो फरहान का, और मुर्गी जो है वो दुआ की है। ठीक है, दुआ मुर्गी दुआ दी। हाँ जी हो गया। अबू जान चूजों को रोटी डाल रहे हैं, खुद ही खा रही है, बच्चों को नहीं खिला रही, नहीं बता रही उनको कि ये खाना है।
चूजे छोड़ देते थे वो छत पर खुद ही चले जाते थे, और शाम की मगरब की अजान के वक्त वो पेट भर कर खुद ही नीचे आ जाते थे। तो सिर्फ हमें पिंजरे में बंद करने पड़ते थे, बाकी इधर आकर बैठ जाते थे। कभी गौर नहीं किया इतना ज़्यादा गंद हो गया, हाथ लगे हाथ ये भी साफ कर देंगे। दो चूजे ये हैं और ये खा रहे हैं, ये समुद्री झगपड़ी है। तो इसके जो ब्रीवी दाने हैं ये वाले तोड़ कर ना ये खा रहे हैं, तो ये इनके लिए नुकसानदेह है। ये फरान उठा कर ना तो वो मशीन के ऊपर रख दो। मेरा नाम है। चलो ठीक। कितने दिन बाद काढ़ी लगे हो? ये जी प्रोग्राम पर है कि दोबारा से मुर्गी को अंदर उठा दिया जाए, क्योंकि उनमें से एक अंडे का चांस है जिसमें बचा निकल सकता है, तो वापस मुर्गी को अंदर उठाएंगे। टाइम हो रहा जी शाम के 4:40 का, और दोबारा चूजे खोलने का टाइम हो गया। फिराद भाई ने दोनों चूजों को खोल दिया और रोटी और पानी ये है, इसमें थोड़ी सी रोटी और ऐड कर दी है ताकि ये सब जो है ठीक से तरह से रख जाए, पेट भर जाए इनका। तो फिराद भाई मुर्गी चली है, बच्चों वाली मुर्गी को नीचे रहने देंगे अभी, और कल इंशाल्लाह उसको पिंजरे में ही बंद करेंगे और उसको ऊपर भी लाएंगे रूटीन के साथ। ये जी आज़ाद अभी, तो इसको आज़ाद छोड़ने का मकसद ये है कि थोड़ा सा इसका जिस्म जो है भरा हो जाए, थोड़ा सा निकाल ले ताकत आ जाए जिस्म में, क्योंकि पिंजरे में बंद रखने की वजह से ये बहुत ही कमज़ोर है ये देखें। तो सुबह के टाइम तो थोड़ी देर खोलते थे और शाम के टाइम थोड़ी देर खोलते थे, तो बाकी सारा टाइम पिंजरे में रहता था। अब इसको आज़ाद करेंगे, कुछ ही दिनों में ये बिल्कुल बेहतरीन पट्ठा बन जाएगा। अभी तो चूज़ा लगता है लेकिन पट्ठा इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक बन जाएगा। ये देखें चलने का स्टाइल इसका, ये देखें पतली बिट कर रहा है, ये देखें सिर्फ ये पिंजरे में बंद रखने की वजह से चलने का स्टाइल इसका ऐसा है। और कुछ दिनों के बाद फिर चूज़ों पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें देखिए ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा तकरीबन 15-20 दिन तक। नहीं जी मगरब की जान जो हो चुकी है, हल्का हल्का सा अंधेरा होना शुरू हो गया, तो हमारे जो चूजे हैं मुर्गे हैं वो खुद ही नीचे जाना शुरू हो गए हैं। वो देखें एक वो पट्ठा बड़ा पट्ठा वो नीचे चला गया, ये भी नीचे जा रहे हैं, ऊपर रह गया सिर्फ ये वाला मुर्गा और ये छोटी मुर्गी। चलो नीचे चलो 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 आ जाए, इसको हम ले जाते हैं। इस पर बीमारी ने हमला किया था रानी खेत ने, इसकी गर्दन और पाँव की एक जो ये देखें पाँव की एक उंगली और इसकी गर्दन जो है वो टेढ़ी हो गई है, लेकिन शुक्र है ये बच गया। ये रोटी बच गई, ये सुबह डाल देंगे क्योंकि पेट भरा हुआ था उनका। चलो अभी जाकर इनको करते हैं नीचे बंद और इनकी जिम्मेदारी भी होगी पूरी। ये डर गया, मुर्गे ने डरा दिया इसको। आज की रात यहाँ पर रहेंगे और कल इनको बंद कर देंगे। कितना चूजे ये देखें, ये चूज न्यू माशाल्लाह बहुत ही क्यूट है। तो आज की रात ये भी बाहर रहेगा आज़ाद काफ़ी दिनों के बाद। चले जी
ये थी जी हमारी आज की वीडियो, वीडियो करते हैं ये भी खत्म। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ रहे आशी को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।